गुड इवनिंग ऑल मेरी आवाज आ रही है सबको इसको एमवेबल गाइज थैंक्स फॉर कंफर्मिंग सो लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज कंटेंट गाइज ओके सो कल अगर आपको याद होगा गाइज तो हम लोगों ने बेसिक एक स्टूडेंट uh, सर्विस बनाया था ओके okay? सो जस्ट इमेजिन बेसिकली हम लोग क्या क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं पहले हम लोग वो बात करते हैं ठीक है सो जस्ट इमेजिन हम लोग एक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं फॉर द किरण अकेडमी इंस्टीट्यूट ओके सो हो सकता है कि किरण अकेडेमी इंस्टीट्यूट के मल्टीपल ब्रांचेस होंगे सो हम लोग इमेजिन करेंगे फॉर एवरी ब्रांच इज नथिंग बट दी सेपरेट इंस्टीट्यूट ठीक है सो जस्ट इमेजिन करो हम लोग क्या करेंगे ल क्रिएट वन सर्विस और हम लोग एक दूसरा सर्विस भी बनाएंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये सर्विस को मैं नाम देता हूं स्टूडेंट सर्विस ओके और एक दूसरा सर्विस मैं बनाता हूं इंस्टीट्यूट सर्विस ओके सो so जनरली क्या होगा गाइस एज अ क्लाइंट ठीक है यू द रिक्वेस्ट 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 जब भी भी आप भी सेंड करोगे ओके okay? एक तो आपका request हो सकता है स्टूडेंट सर्विसेज के लिए होगा या तो हो सकता है आपका सर्विस इंस्टीट्यूट सर्विस के लिए होगा सो so हम लोग कुछ कॉमन सेट ऑफ ऑपरेशन बिल्ड करने का कोशिश करेंगे क्या कॉमन सेट ऑफ ऑपरेशन हो सकता है स्टूडेंट सर्विसेज के लिए जैसे एक सेव स्टूडेंट

एक इंस्टीट्यूट विच इज एट नागपुर लोकेशन सो so, हम लोग क्या करेंगे गिव अस द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हमको ऐसे स्टूडेंट्स दो जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट आई से बिलोंग करते फॉर एग्जाम्पल अगर आप इमेजिन करोगे सो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इंस्टीट्यूट आई डी है और इमेजिन करो यहाँ पे दस स्टूडेंट्स हैं इंस्टीट्यूट आईडी डी टू है यहाँ पे पांच स्टूडेंट्स है इंस्टीट्यूट आईडी डी थ्री है यहाँ पे सात स्टूडेंट्स है अगर मैं इंस्टीट्यूट आईडी डी वन सेंड करता हूँ ओके okay? सो so, मुझे दस स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड मिलने चाहिए ठीक है ओके अगर आपको याद होगा कि हम लोग जो सर्विसेज बनाने वाले हैं वो सेपरेशन ऑफ कंसर्न करने वाले हैं राइट ओके जो हम लोग क्या करने वाले हैं हम सेपरेशन ऑफ कंसर्न यहां पे करने वाले सो so, उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं ओके सो उस केस में हम लोग क्या करते हैं गाइज जो स्टूडेंट रिलेटेड फंक्शनैलिटी है वो हम सारी स्टूडेंट सर्विस में डाल देंगे और जो इंस्टीट्यूट रिलेटेड फंक्शनिटी हम लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट सर्विस में डाल देंगे राइट right? सो so, यहाँ पे सबसे पहला functionality है कि स्टूडेंट को सेव करना और दूसरा फंक्शनलिटी हम लोग यहां पे क्या बनाएंगे दूसरा फंक्शनलिटी हमारे लिए यह होने वाला है कि गिव अस द स्टूडेंट बाय द इंस्टीट्यूट आई डी ओके गेट स्टूडेंट्स बाय इंस्टीट्यूट आई डी ओके गाइज ये हमारा ऑपरेशन रहने वाला है स्टूडेंट सर्विस के लिए एटलीस्ट हम लोग ये दो बेसिक ऑपरेशंस बनाएंगे यहाँ पे ओके सो लेट्स ट्राई टू मूव टुवर्ड्स इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट सर्विस सर्विस की में हम लोग क्या बनाने का कोशिश करते हैं राइट सो इंस्टीट्यूट सर्विस के लिए क्या बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशन हो सकता है यहाँ पे अभी हम लोग वो सोचते हैं राइट सो इंस्टीट्यूट सर्विस इंस्टीट्यूट सर्विस में जो कुछ भी हम लोग सेट ऑफ एपीआई बनाएंगे यहाँ पे पहला वापस से कॉमन ऑपरेशन क्या हो सकता है कि क्रिएट इंस्टीट्यूट राइट हम लोगों का क्या ऑप्शन रहेगा क्रिएट इंस्टीट्यूट सबसे पहले हम लोग इंस्टीट्यूट को क्रिएट करेंगे फिर उसके बाद अगर आपको पता करना है कि कितने मेरे पास इंस्टीट्यूट अवेलेबल है सो मैं एक अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं कि गेट ऑल इंस्टीट्यूट ये मेरे पास और एक ऑप्शन हो सकता है ओके या फिर मुझे यहां पे और एक इंफॉर्मेशन पता करना है कि मेरे करंट इंस्टीट्यूट में कितने स्टूडेंट्स अवेलेबल है या फिर कौन से स्टूडेंट अवेलेबल है सो so, मैं यहां पे क्या कर सकता हूं गेट स्टूडेंट्स बाय इंस्टीट्यूट आई डी समझ में आ रहा है हम लोग क्या करना है क्लियर ओके सो वॉट वी हैव टू डू इज हम लोग ये ऐसे सर्विसेस बिल्ड करेंगे ओके okay. अगर स्पेसिफिकली स्टूडेंट रिलेटेड रिक्वेस्ट आता है स्टूडेंट रिलेटेड आता है तो हम लोग हमारा सर्विस स्टूडेंट सर्विस को कॉल करेंगे अगर हम इंस्टीट्यूट रिलेटेड एपीआई कॉल होता है तो हम लोग इंस्टीट्यूट को कॉल करेंगे आई होप दिस इज क्लियर और हम लोग इसको अभी प्रैक्टिकली बिल्ड करते गाइज ठीक है सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन वन सेकेंड ओके आई होप कल का प्रोजेक्ट शेयर है आप लोगों के साथ ठीक है अभी हम लोगों ने ऑलरेडी एक ऑपरेशन क्रिएट किया और हम लोगों ने ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट भी करके देखा था ओके दूसरा आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था गेट स्टूडेंट बाई इंस्टीट्यूट आईडी राइट सो हम लोग को ऐसा कुछ तो कॉल करना है जहां पे आपको क्या मिलना चाहिए गेट स्टूडेंट्स बाई दी इंस्टीट्यूट आईडी मिलना चाहिए राइट सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ठीक है गेट मैपिंग क्योंकि आपको स्टूडेंट्स गेट करना है इसलिए हम लोग क्या कर रहे गेट स्टूडेंट्स कर रहे हैं गेट मैपिंग में हम लोग वहां पे हम लोग एक एक्स्ट्रा यू पैटर्न डालते हैं मतलब स्टूडेंट्स के बाद स्लैश अगर इंस्टीट्यूट चाहिए आपको इंस्टीट्यूट और उसके बाद में भेजता हूं इंस्टीट्यूट आई डी फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट आई मतलब मैं वहां से इसको हम लोग क्या बोलते गाइस पाथ वेरिएबल, राइट सो आप इस यू आर एल पाथ में आप वेरिएबल सेंड करोगे और वो वेरिएबल आप लेके आप डेटाबेस पे जाके चेक करोगे कि मुझे इस आईडी के लिए स्टूडेंट्स जितने भी अवेलेबल है वो सारे स्टूडेंट्स मुझे दे दो तो आप इसको कैसे यूज करते हो उसके लिए आपको एक एनोटेशन यूज करना होता है वो होता है पाथ वेरिए ठीक है इस पाथ वेरिएबल में आप लोग बता दोगे कि कौन सा वेरिएबल है आपका सो आपका वेरिएबल यह है इंस्टीट्यूट आईडी और जो कुछ भी इसका टाइप होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पे जाके चेक कर सकते हो स्टूडेंट में जाके चेक कर सकते हो ओके इसका टाइप क्या है इंटीजर। सो so वापस आप कंट्रोलर में आ जाओ और यहां पे आप लिख सकते हो इंटीजर, इंस्टीट्यूट आई डी क्लियर ये अभी जो कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा वो आपको ये यू आर एल सेंड करेगा स्टूडेंट्स स्लैश इंस्टीट्यूट स्लैश इंस्टीट्यूट आई डी राइट और यहाँ पे वो इंस्टीट्यूट आईडी सेंड करेगा फिर जो कुछ भी इंस्टीट्यूट आईडी आएगा वो लेके आपको क्या करना है वो लेके आपको जाना होता है कहां पे जाना होता है यू हैव टू गो कहा सर्विस लेयर कल जैसे आप लोग को पता होगा कि पहले कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट आएगा फिर सर्विस पे जाएगा फिर रिपोजिटरी पे जाएगा सो so, यहाँ पे हम लोग सर्विस को कॉल करते हैं राइट सो हाउ वी विल कॉल टू द सर्विस हम लोग कॉल करेंगे स्टूडेंट सर्विस डॉट आपको एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा गाइस कौन सा मेथड क्रिएट करना पड़ेगा जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसका भी नाम चेंज करता हूँ सो सेम मेथड में बनाता हूं सर्विस में ओके okay? और मैं यहाँ पे सेंड करता हूं इंस्टीट्यूट आईडी सेम इंस्टीट्यूट आई मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ गाइस अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके सर्विस में ये मेथड क्रिएटेड नहीं है राइट right? सो so आप क्या कर सकते हो सर्विस में जाओगे और ये मेथड क्रिएट करेंगे हम लोग ठीक है सो पब्लिक अभी के लिए हम लोग लिखते हैं गेस्ट स्टूडेंट आईडी ठीक है student, ID, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इंटीजर इंस्टीट्यूट आईडी लेंगे गाइस, ठीक है आपको पता है अभी आप सर्विस लेयर तक आ गए यहाँ पे आपका होता है बिजनेस लॉजिक अभी आपको क्या करना है आपको डेटाबेस से ऐसे रिकॉर्ड्स निकलना है फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट आईडी के लिए ठीक है ओके अब एक इंस्टीट्यूट एक इंस्टीट्यूट के लिए मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं राइट एक इंस्टीट्यूट के लिए मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं इसलिए हम लोग क्या करेंगे जस्ट सेकेंड वन सेकेंड सो so, हम लोग क्या करेंगे गाइज यहाँ पे स्टूडेंट को गेट करेंगे बाई दी इंस्टीट्यूट आई डी नाउ अब ये थोड़ा सा अलग ऑपरेशन है राइट ये बाय डिफॉल्ट ऑपरेशन नहीं है बाय डिफॉल्ट सेव क्रिएट रीड अपडेट डिलीट वाला ऑपरेशन नहीं है ये तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है गाइस इसमें हमको एक अलग से खुद से आपको क्या करना पड़ेगा खुद से आपको यहाँ पे एक मेथड बनाना पड़ेगा रिपोजिटरी में आप मेथड मेथडिटरी में बना के आप उसको बोलोगे कि मुझे सारे स्टूडेंट्स दे दो ठीक है जिसका इंस्टीट्यूट आईडी मैं भेज रहा हूं ठीक है उसके लिए आप रिपोजिटरी में जाके क्या करोगे आपको यहां पे मेथड लिखना पड़ेगा ठीक है ठीक है क्या मेथड बनाएंगे ऑल बाय फाइंड ऑल बाय इंस्टीट्यूट आईडी ओके हम लोग ऐसा मेथड बनाएंगे फाइंड ऑल बाय इंस्टीट्यूट आईडी ओके और यहां पे जो कुछ भी इंटीजर इंस्टीट्यूट आईडी आएगा हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ठीक है और जो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिटर्न मिलने वाले इसलिए हम लोग पढ़ते हैं लोइ ऑफ स्टूडेंट ठीक है यहां पे हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेंगे क्लास को ठीक है समझ लो होता क्या है क्योंकि आप जेपीए रिपोजिटरी यूज कर रहे हो आपको किसी का भी इंप्लीमेंटेशन देने का जरूरत नहीं होता है बिहाइंड द सीन स्प्रिंग बोर्ड और हाइबरनेट नेट मिला के आपके लिए इस मेथड का इंप्लीमेंटेशन देंगे और जो टाइप ऑफ क्वेरी मैंने लिखा है इसको बोलते हैं जेपीए नेमिंग क्वेरीज ठीक है queries, इसको रीड करके वो क्या करेगा सारे स्टूडेंट्स निकाल के देगा आपको जिसका इंस्टीट्यूट आपने भेजा हुआ है राइट सो दिस इज बेनिफिट ऑफ यूजिंग ये बेनिफिट होता है आपका यूज करने का स्प्रिंग बोर्ड डेटा जेपीए

रिटर्न लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है तो मुझे यहां पे भी जाके चेंज करना पड़ेगा मेथड का सो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ठीक है नाउ जब आप यहाँ पे वापस कंट्रोलर पे जाओगे आप यहां से क्या कर दोगे इसको रिटर्न कर दोगे गाइस आई विल रिटर्न दिस ठीक है नाउ यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट नहीं आने वाला है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आने वाला है इसलिए हम लोग लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिटर्न करते यहां से ओके परफेक्ट ये चले गया गाइस ठीक है कल आपको अगर याद होगा तो हम लोगों ने दो एंट्रीज इंसर्ट किया था एक इंस्टीट्यूट आईडी डी वन के लिए इंस्टीट्यूट आईडी डी टू के लिए ठीक है अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं विदर ये हमारा सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा ओके आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है लेट मी ओपन द पोस्टमैन आपका पोस्टमैन ओपन हो गया गाइस सो आपको क्या करना है गेट कॉल करना है ठीक है सो आप गेट करोगे फिर स्लैश स्टूडेंट्स के बाद आपको इंस्टीट्यूट यह आपका यूआरएल पैटर्न है और इंस्टीट्यूट का आईडी आपको भेजना है ठीक है वापस से एक बार देख लो आप Second. एक बार आप यहां पे देखोगे तो स्लैश स्टूडेंट्स फिर उसको आप में इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट के बाद आपको देना है इंस्टीट्यूट आईडी नाउ लेट मी सेंट अ रिक्वेस्ट ओके आपको दिख रहेगा इस कल जब हम लोग स्टूडेंट सेव करके जो रिटर्न कर रहा था वो एक सिंगल स्टूडेंट था विथ आई डी इसलिए आपको वो सिंगल यहाँ पे मिल रहा था अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एरे साइन में मिल रहा है मतलब यू आर गेटिंग द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट क्योंकि अभी के लिए हमारे पास आई डी वन के लिए इंस्टीट्यूट आई डी वन के लिए एक ही स्टूडेंट अवेलेबल है क्या हम लोग और एक स्टूडेंट ऐड करके देखते हैं चलो लेट्स ट्राई टू ऐड दी अनादर सो पोस्ट आपको याद होगा तो कल हम लोगों ने किया एस टी टीपी लोकल हो स्कूल एट जीरो जीरो और स्लैश स्टूडेंट्स कॉल किया था राइट right? ओके okay? उसके लिए आपको बॉडी में जेसन रिक्वेस्ट सेंड करना था तो मैंने बताया था आप कैसे सेंड कर सकते हो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूं मैं यहाँ पे वो रिक्वेस्ट पेस्ट करता हूँ ठीक है मैं नाम चेंज करता हूं। या फिर इंस्टीट्यूट आई डी वन के लिए मैं भी नाम चेंज करता हूँ कुछ तो और लेता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल अभय केनेडी लिख देता हूँ मैं अब भाई कैनडी अब ये जाना चाहिए इंस्टीट्यूट आईडी डी वन के लिए सेंड करते हैं हम लोग गाइस ठीक है ये नया स्टूडेंट तो ऐड हो गया जिसका इंस्टीट्यूट आईडी डी वन है अभी इंस्टीट्यूट आईडी के लिए हमारे पास दो रिकॉर्ड्स अवेलेबल है जाके हम लोग चेक करते हैं लेट सेंड द रिक्वेस्ट नाउ सी यू स्टार्टेड गेटिंग टू रिकॉर्ड्स इंस्टीट्यूट आई डी टू के लिए आपके पास कितने रिकॉर्ड्स अवेलेबल है गाइस जस्ट सिंगल रिकॉर्ड आप इसको सेंड करो सी वॉट यू आर गेटिंग यू आर गेटिंग दी रिस्पेक्टिव स्टूडेंट एज पर होगा इंस्टीट्यूट सर्विस ओके सो आई विल गो एंड आई विल क्रिएट दी इंस्टीट्यूट सर्विस ओके आई विल स्टॉप दिस ओके अगर आपको दिख देखर, रहा होगा गाइस सो so यहाँ पे आपको देखो इंटरनली जि, जितनी भी क्वेरीज एग्जीक्यूट हो रही है सो so, वो सारी क्वेरीज दिख रही है तो so, सबसे पहले मैंने सिलेक्ट ऑपरेशन गेट ऑपरेशन कॉल किया था उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैंने इंसर्ट वाला ऑपरेशन कॉल किया था उसके बाद मैंने सिलेक्ट एक इंस्टीट्यूट आईडी डी वन के लिए किया था और एक इंस्टीट्यूट आईडी डी टू के लिए किया था आपको सारे ऑपरेशन से यहाँ पे देख सकते हो आप जस्ट बिकॉज ऑफ एक जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने सेट किया था वो प्रॉपर्टी कौन सा था आपका शो एसक्यूएल शो एसक्यूल इक्वल्स टू ट्रू बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी यू स्टार्टेड गेटिंग दिस ओके गाइस परफेक्ट अभी हम लोग क्या करेंगे गाइस हम लोग दूसरा सर्विस क्रिएट करते हैं इंस्टीट्यूट सर्विस लेकिन उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि आप यूजिंग ब्राउजर स्टार्टर डॉट स्प्रिंग डॉट आयो कैसा क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास अल्टीमेट एडिशन है इंटेलिजेंट का तो आप यहां से भी कैसे क्रिएट करते हो मैं भी वो भी दिखाता हूँ आपको सो आप क्लिक करोगे फाइल पे यहाँ पे बोलोगे न्यू और यू विल सी न्यू प्रोजेक्ट ओके okay? यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है स्प्रिंग बोर्ड यहाँ पे आप आपके एप्लीकेशन का नाम दोगे सो मेरे एप्लीकेशन का नाम है इंस्टीट्यूट सर्विस ठीक है गाइस यहाँ पे इंस्टीट्यूट सर्विस देना है यहाँ पे लोकेशन में रखता हूँ कि डाउनलोड्स में ही रखते हैं ठीक है ठीके? उसके बाद ये जावा होना चाहिए इसका टाइप मेवन होना चाहिए क्योंकि हम लोग ग्रेडल नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे आपको ग्रुप चेंज करना है गाइस तो ऑफ मैं यहां के क्या करता हूँ कॉम डॉट टीके डॉट इंस्टीट्यूट सर्विस इंस्टीट्यूट सर्विस और मैं इसका पैकेज रखता हूँ कॉम डॉट टीके डॉट इंस्टीट्यूट सर्विस मतलब मैं क्यू ऐसा पैकेज नेमिंग कन्वेंशन दे रहा हूं सोचो कॉम देन टीके क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे द किरण अकेडमी और कौन सा सर्विस बना रहे ठीक है उसके बाद ये इसका पैकेजिंग जार होना चाहिए और क्या होना चाहिए, जावा 17 होना चाहिए चाहिए फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट अभी यहाँ पे आपको क्या करना होता है वॉट यू द डिपेंडेंसीज तो आपको कौन से रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज था क्योंकि क्योंकि हम लोग रेस्ट एप्लीकेशन बना रहे इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है स्क्रिंग वेब ठीक है फिर उसके बाद क्योंकि हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने वाले हैं तो वापस आपको क्या लगेगा स्प्रिंग डेटा जेपीए राइट क्योंकि हम लोग मायास्किल के साथ कनेक्ट करते हैं इसलिए आपको मायास्किल का कनेक्टर जार लगेगा यहाँ पे सो हम लोगों ने मायास्किल ड्राइवर भी ले लिया परफेक्ट फिर उसके बाद माइस्किल ड्राइवर लेने के बाद आपको याद होगा क्योंकि मैंने एक और एक डिपेंडेंसी बोला था लोम्बॉक लोम्बोक क्यों यूज कर दे हम लोग टू जनरेट द गेटर सेटर बॉयलर प्लेट कोड आप नहीं लिखोगे इंस्टेड ऑफ यू So, लेक्ट करते हैं लॉम्बॉक ठीक है Lombok. और फिर हम लोग लेते हैं ऑपरेशन पर्पज ठीक है वंस यू क्लिक ऑन दिस यू विल क्लिक ऑन द्रिएट और आप उसको पूछोगे की सेम विंडो में ओपन करना है कि अलग विंडो में क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक विंडो ओपन है इसलिए मैं बोलता हूँ कि न्यू विंडो में ओपन कर दो न्यू विंडो इज ओपन गाइस देखिए सेम सर्विस आपका ओपन हुआ है जैसे आपका स्टूडेंट सर्विस हुआ था सेम आपका इंस्टीट्यूट सर्विस भी क्रिएट हो गया ठीक है परफेक्ट अभी हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं गाइस ठीक है हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वापस से पैकेज में जाएंगे ठीक है पे सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने कुछ तो प्रॉपर्टी सेट किया था राइट सो so, हम लोग वो प्रॉपर्टी आई जस्ट वॉन्ट टू यूज इसलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज एंड आई विल यूज हियर ठीक है क्योंकि डेटाबेस के कनेक्ट डेटाबेस को कनेक्ट करना इसलिए आपको ये प्रॉपर्टीज लगने वाली है बाय तो डिफॉल्ट हम लोग चाहते हैं कि अपडेट ऑपरेशन हो जाए डीडीएल अपडेट ऑपरेशन हो जाए और ये आपको एस्केल शो करेगा ठीक है ये होने के बाद गाइस हम लोगों ने क्या किया था अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने मॉडल्स क्रिएट किया था राइट सो हम लोग क्या क्रिएट करते हैं मॉडल्स क्रिएट करते हैं सो मैं एक पैकेज बनाता हूं न्यू पैकेज मॉडल्स मॉडल्स में जनरली क्या रखते हैं हम लोग एंटिटीज जो कुछ भी आपको एंटिटीज लगने वाली है तो हम लोग यहाँ पे कौन सा एंटिटी रखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे एंटिटी रखेंगे इंस्टीट्यूट क्योंकि हम लोग इंस्टीट्यूट सर्विस बना रहे हैं सो so, मैं न्यू जावा क्लास इंस्टीट्यूट बनाता हूं ये इंस्टीट्यूट बनाएंगे गाइज ये आपका क्लास क्रिएट हो जाएगा ठीक है क्योंकि ये नॉर्मल जावा क्लास है इसको अगर आपको एज ए एंटिटी बनाना है तो मैंने बताया था आपको एट द रेट एंटिटी एनोटेशन देना होगा गाइस जैसे आप एट द रेट एंटिटी एनोटेशन देते हो क्योंकि यहां पे एरर आने लग जाता है जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने यहाँ पे आईडी प्रोवाइड नहीं किया है तो आपको क्या प्रोवाइड करना होता है आईडी प्रोवाइड करना होता है तो। सो हम लोग आईडी बनाते हैं सो हम लोग लिखते हैं प्राइवेट लॉन्ग आईडी सॉरी ठीक है हम लोग एक फील्ड लिखते हैं फिर इंस्टीट्यूट का नाम स्टोर करने के लिए हम लोग लिखेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम और हम लोग लिखेंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूट का ईमेल पता करने के लिए हम लोग लिखते हैं ईमेल आप और भी फील्ड्स डाल सकते हो फॉर योर बिल विश हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे गाइस क्योंकि ये आईडी है आपको याद होगा तो हम लोगों ने एट द रेट आईडी एनोटेशन यूज किया था पर आपको बताना पड़ता है कि इसका ऑटो ऑटो इंक्रीमेंट कैसे वर्क करेगा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ऑटो इंक्रीमेंट सो so, उसके लिए हम लोग जनरेटेड वैल्यू यूज करेंगे और जनरेटेड वैल्यू में हम लोगों को स्ट्रेटेजी बताना होता है कि आपका स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है आइडेंटिटी सो आई विल यूज जनरेशन टाइप एज दी आइडेंटिटी ये हो गया गाइस आपका इंस्टीट्यूट मॉडल क्रियर या एंटिटी क्योंकि आपको यहाँ पे गेटर सेटर्स भी रखने वाले हैं इसलिए मैंने बताया था क्योंकि हम लोग लोमबॉक यूज कर रहे हैं हम लोग यूज करेंगे एट द रेट गेटर फिर हम लोग यूज करेंगे एट द रेट सेटर क्योंकि आपको दो कंस्ट्रक्टर्स भी चाहिए तो मैं एक नो आर्स कंस्ट्रक्टर बनाता हूं और एक बनाता हूं ऑल आर्स कंस्ट्रक्टर राइट सो आपके बिहाफ में इंस्टेड ऑफ यू राइटिंग ये सारा कोड आपके बिहाफ में आपका लुम्बो के आपके लिए काम कर देगा परफेक्ट ठीक है वंस दैट इज डन गाइज लेट्स क्रिएट दी इंस्टीट्यूट कंट्रोलर अभी कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे क्यूट कंट्रोलर ठीक है ओके आपको याद होगा कई जब हम लोग कंट्रोलर बनाते हैं ओके इट शुड बी एनोटेटेड विथ एट द रेट रेस्क्रोलर परफेक्ट ठीक है क्योंकि आपको पता करना है कि आपकी सर्विस कहां पे जानी चाहिए इसलिए हम लोग क्या करेंगे एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग देते हैं गाइस और इसको हम लोग देते हैं स्लैश इंस्टीट्यूट ठीक है ये आपका बेस बेसी होगा इसके बाद हम लोग कुछ जो हम लोगों ने बोला था कि हम लोग कुछ सेट ऑफ एपीआई बनेंगे एपीआई एंड पॉइंट बनेंगे किसके लिए फॉर दिस इंस्टीट्यूट सर्विस एप्लीकेशन तो इसके लिए अभी हम लोग बनाते हैं सो so सबसे पहले हम लोग सेव करने का बनाते हैं राइट right? या फिर क्रिएट इंस्टीट्यूट करने का बनाते हैं सो पब्लिक Avoid. Institute. आपको पता है अगर आपको इंस्टीट्यूट क्रिएट करवाना है इसके लिए कौन सा मैपिंग यूज होगा एट द रेट पोस्ट मैपिंग अभी इसके लिए हम लोग क्या करते हैं एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी क्योंकि वहां से कोई ना कोई तो आपको सेंड करेगा ठीक है सो वो इंस्टीट्यूट टाइप का सेंड करेगा गाइस सो so, मैं यूज करता हूँ इंस्टीट्यूट वहां से इंस्टीट्यूट टाइप का डेटा आएगा एज अ जेसन फिर वो मैप हो जाएगा आपके एंटिटी क्लास में और फिर आप उसको सेव करने के लिए कहा लेके जाओगे सर्विस लेयर पे सो so उसके लिए आपको क्या क्रिएट करना है एट द रेट ऑटोवाइड हम लोग एक सर्विस बनाते कौन सा इंस्टीट्यूट सर्विस इंस्टीट्यूट सर्विस बनाते हैं हम लोग अभी रेड एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने वो सर्विस बनाया नहीं है राइट सो so, हम लोग ये क्लास बनाते हैं पैकेज में वन सेकेंड ये कंट्रोलर पैकेज नहीं बना था सो न्यू पैकेज कंट्रोलर्स पैकेज बना के मैं इंस्टीट्यूट कंट्रोलर को वहां शिफ्ट कर देता हूं ओके नाउ लेट मी क्रिएट दिस सर्विस पैकेज फर्स्ट पैकेज सर्विसेस इस सर्विसेस पैकेज में मैं क्या करता हूं सर्विस बनाता हो राइट right? आपको पता है सर्विस जब बनाते हो इट शुड बी एनोटेटेड सर्विस ठीक है इसको हम लोग इम्पोर्ट करते हैं इंस्टीट्यूट सर्विस भी यहां पे आ गया ओके okay. अभी हम लोग क्या करेंगे इंस्टीट्यूट सर्विस में आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा गाइस राइट right? कौन सा मेथड क्रिएट करेंगे हम लोग क्रिएट इंस्टीट्यूट के लिए सो so, सेम जैसे हम लोगों ने स्टूडेंट सर्विस में किया था सेम ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे क्रिएट इंस्टीट्यूट और ये जो इंस्टीट्यूट यहां से आ रहा है हम लोग वो यहाँ पे सेंड करते ठीक है सेम मेथड आपको कहाँ पे बनाना पड़ेगा सर्विस में बनाना पड़ेगा सर्विस so, में जाके हम लोग ये मेथड बनातेगा इस कौन सा पब्लिक वर्ड क्रिएट इंस्टीट्यूट जहां पे इंस्टीट्यूट आएगा वहां से कंट्रोलर से इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ठीक है ओके अभी आप सर्विस लेयर तक आ गए हो फिर सर्विस लेयर से आपको क्या करना है के साथ बात करके आपको वो इंफॉर्मेशन स्टोर करना है स्ट्रिंग अगर हमको रिस्पॉन्स डायरेक्टली प्रिंट करके देखना है तो उसके लिए आप टोस्ट्रिंग डाल सकते हो बट टोस्टिंग अभी के लिए हम हमारे पर्पज के लिए कुछ रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए हम लोगों ने टोस्टिंग मेथड नहीं लिया गे? ठीक है तो इसके लिए आपको पता है कि आपको रिपोजिटरी भी लगेगा क्योंकि आप डेटाबेस के साथ बात करना चाहते हो सो so, क्यों ना हम लोग रिपोजिटरी पहले बनाते हैं तो रिपोजिटरीज पैकेज बनाते हैं पहले पैकेज रिपोजिटरीज यहाँ पे रिपोजिटरी बनाते हैं कैसे बनाते हैं न्यू जावा क्लास लेकिन वो इंटरफेस होना चाहिए सो so, हम लोग बनाते हैं इंस्टिट्यूट रिपोजिटरी परफेक्ट क्योंकि ये रिपोजिटरी है इसलिए हम लोग इसको एट द रेट रिपोजिटरी लिखेंगे और यहां पे हम लोग लिखते हैं एक्सटेंड्स जेपी रिपोजिटरी अगर आपको याद होगा रिपोजिटरी में आपको डायमंड ब्रैकेट में दो पैरामीटर सेंड करना होता है पहले वो कौन से टाइप का है ठीक है कौन सा एंटिटी और उसका आईडी का टाइप क्या है सो so, हमारा एंटिटी है इंस्टीट्यूट और उसमें जो आईडी है उसका टाइप है लॉन्ग ठीक है ये होगा आपका रिपोजिटरी फिर सर्विस में आके आपको उसको ऑटो वायर करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग उसको यूज करना चाहते तो हम लोग उसको उसके स्प्रिंग आप के लिए करके देगा ठीक है परफेक्ट अभी हम लोग क्या करेंगे इंस्टीट्यूट रिपोजिटरी डॉट सेव किसको सेव करेंगे इंस्टीट्यूट को हम लोग सेव कर देंगे क्योंकि सेव आपको वापस ऐसा वो सेव्ड ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा ठीक है जिसमें आईडी होगा राइट right? सो so, हम लोग क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूट मैं बोलता हूं सेव्ड इंस्टीट्यूट राइट गाइस और फिर सेव्ड इंस्टीट्यूट को हम लोग क्या कर देंगे यहां पे रिटर्न कर देंगे रिटर्न सेव्ड इंस्टीट्यूट अगर आपको ये गाइस ये दो लाइन आपको गेट रीड होना है इससे दो दो लाइन नहीं लिखना है तो आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली डेक्टली रिस्पॉन्स है इंस्टीट्यूट रिटर्न जाने वाला है, है। इसलिए हम लोग यहाँ पे रिटर्न टाइप इंस्टीट्यूट रिट करते हैं इसका ठीक है अभी हम लोग कंट्रोलर में जाते हैं कंट्रोलर में बताते हैं कि हम लोग क्या रिटर्न करने वाला है इंस्टीट्यूट इसके लिए यहाँ पे कर देंगे। आपका पहला है, ठीक दूसरा हम लोग पे एक नया बना के देखते हैं कि आपको सारे इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट अवेलेबल है गिव मी ऑल द इंस्टीट्यूट ठीक है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे गेट मैपिंग यूज करेंगे क्योंकि गेट करना है इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं गेट मैपिंग ठीक है अब गेट मैपिंग हम लोग यहाँ पे मेथड बनाते हैं पब्लिक अभी के लिए वर्ड लिखते क्योंकि हमको नहीं पता कैरिटर्न टाइप है इसलिए मैं वर्ड लिखते जाता हूँ जैसे जैसे कोड आगे बढ़ेगा मैं उसको चेंज करते जाऊंगा ठीक है मैं बोलता हूं गेट ऑल गेट ऑल इंस्टीट्यूट राइट गाइस गेट ऑल इंस्टीट्यूट मैं बोलता हूँ इसको क्योंकि यहां पे आपको डायरेक्टली सारे इंस्टीट्यूट चाहिए तो कोई भी पैरामीटर नहीं आएगा कुछ भी नहीं आएगा इसलिए हम लोग बोलेंगे गेट ऑल इंस्टीट्यूट वापस से हम लोग इंस्टीट्यूट सर्विस को कॉल करेंगे और इंस्टीट्यूट सर्विस को बोलेंगे कि गिवस ऑल द इंस्टीट्यूट इसलिए मैं सेम मेथड यहाँ पे बनाता हूं इंस्टीट्यूट सर्विस में क्योंकि वो मेथड वहां पे बना ही नहीं है इसलिए हम लोग जाके मेथड बनाएंगे ठीक है आई विल से पब्लिक वॉइड गेट ऑल इंस्टिट्यूट्स ठीक है ये आपका मेथड है गाइस ठीक है अभी आपको क्या करना है अगेन रिपोजिटरी कॉल करेंगे ठीक है क्योंकि ये कॉमन ऑपरेशन होने की वजह से रिपोजिटरी ने वो मेथड ऑलरेडी लिख के रखा है वो मेथड है डॉट फाइंड ऑल गाइस ठीक है कौन सा मेथड है फाइंड ऑल फाइंड ऑल क्या करेगा जितने भी इंस्टीट्यूट अवेलेबल है ठीक है जितने भी इंस्टीट्यूट अवेलेबल है सारे के सारे कह दे दो उसको स्टोर कर दो सारे के सारे रिटर्न कर दो क्योंकि ये फाइंड ऑल है गाइज ये फाइंड ऑल क्या रिटर्न करेगा देखो लिस्ट रिटर्न करता है क्योंकि मल्टीपल एंट्रीज आने वाली है इसलिए क्या रिटर्न करता है लिस्ट हम लोग अगर इसको रिटर्न कर देंगे सबको क्या मिलने वाला है लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट इसलिए हम लोग इसका रिटर्न टाइप भी क्या करते हैं लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट क्लियर है, है गाइज क्या रिटर्न करने वाला है लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट कंट्रोलर में वापस जाओगे यहां से अगर आप रिटर्न कर दोगे वो लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स सो so, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे भी लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट को आपको रिटर्न करना पड़ेगा ये होगा आपका दूसरा एपीआई गाइस सो अगर स्लैश इंस्टीट्यूट पोस्ट होता है तो यहाँ पे कॉल होगा स्लैश इंस्टीट्यूट अगर गेट कॉल होता है तो यहाँ पे कॉल होगा गाइस राइट ठीक है ये हो दूसरा एपीआई अभी तीसरा एपीआई क्या बिल्ड करते हैं गाइज हम लोग हम लोग चाहते हैं कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में कितने स्टूडेंट्स अवेलेबल है वो हमको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो एक एपीआई बनाते हैं ठीक है इंस्टीट्यूट सर्विस से ठीक है सो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं पब्लिक वर्ल्ड गेट स्टूडेंट्स बाय इंस्टीट्यूट आईडी ऐसा मैं एक मेथड बनाता हूं क्योंकि आप इंफॉर्मेशन चाहते हो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गेट मैपिंग ठीक है अब यहाँ पे जब कभी भी आप गेट मैपिंग लिख रहे हो गाइस ठीक है आपको क्या करना है क्योंकि आप स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट आईडी के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए ना कोई स्पेसिफिक आईडी के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे आईडी सेंड करोगे तो आपको याद है मैंने आईडी कैसे लिया था स्लैश ऐसे करके लिया था तो मैं एक बोलूंगा इंस्टीट्यूट आईडी राइट सॉरी इट शुड बी इन अ डबल कोट वन सेकेंड ये होना चाहिए करली ब्रेस में इंस्टीट्यूट आईडी ठीक है ये क्या होगा इंस्टीट्यूट आईडी होगा राइट right? परफेक्ट लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके पहले थोड़ा सा और ये लग जाए कि मैं मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट्स चाहिए इसलिए मैं स्टूडेंट्स लिख देता हूँ यहाँ पे ठीक है सो बेसिकली इसका मीनिंग क्या होगा इंस्टीट्यूट्स के लिए सारे स्टूडेंट्स दे दो फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट आई इसका ऐसा मतलब हो जाएगा ठीक है परफेक्ट अभी हम लोग यहाँ पे आपको पाथ वेरिएबल से वो वेरिएबल लेना पड़ेगा गाइज एट द रेट पाथ वेरिएबल पाथ वेरिएबल में आपको याद है लास्ट एपी में भी हम लोगों ने ऐसे किया था ये इंस्टीट्यूट आईडी को हम लोग यहाँ पे लेते हैं गाइज क्योंकि इंस्टीट्यूट आईडी आपका लॉन्ग टाइप का है तो मैं यहाँ पे लॉन्ग इंस्टीट्यूट आईडी ले लेता हूँ ठीक है क्यों यहाँ पे ऐसे है देखो इंस्टीट्यूट में जाके देखोगे तो आई मेरा लॉन्ग टाइप का है इसलिए फिर मैं वैसे ले रहा हूँ ठीक है इंस्टीट्यूट कंट्रोल में आ गए यहां से मैं वापस एक इंस्टीट्यूट सर्विस डॉट सेम मेथड का नाम रख देता हूँ क्योंकि यूनिफॉर्म मिटी रहेगी गेट स्टूडेंट बाई इंस्टीट्यूट आईडी और ये इंस्टीट्यूट आई डी आप सेंड करोगे राइट ठीक है ये क्या करोगे आप सेंड करोगे गाइस ठीक है परफेक्ट ये मेथड अभी आपको कहा सर्विस लेयर में क्रिएट करना पड़ेगा सो लेट्स गो टू दर्विस लेयर लोग बनाते हैं वो मेथड पब्लिक ये मेथड और इसमें क्या आने वाला है गाइस इंस्टीट्यूट आईडी आने वाला है सो so, हम लोग वो लेते ले हैं यहां पे लॉन्ग इंस्टीट्यूट आईडी क्लियर है गाइस यहाँ तक नाउ सी अभी आपको क्या चाहिए गाइस आपको चाहिए इंस्टीट्यूट आईडी के बेसिस पे आपको चाहिए स्टूडेंट्स ठीक है ओके अभी आप यू आप अभी सर्विस में हो इंस्टीट्यूट सर्विस में आपके स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है क्या गाइस? नो। इंस्टीट्यूट सर्विस में स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन नहीं है स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन पे? स्टूडेंट सर्विस में है राइट right? स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टूडेंट सर्विस में है मतलब अगर मुझे कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए उसके स्टूडेंट्स चाहिए है तो मुझे स्टूडेंट सर्विस से बात करना होगा और मुझे बोलना पड़ेगा कि मुझे ये, ये अभी स्टूडेंट सर्विस के साथ ठीक है मतलब क्या होगा ओके okay. एक सर्विस दूसरे सर्विस के साथ कैसे बात करेगा यूजिंग दी रेस्टिया क्योंकि आपने यहां पे भी क्या करके रखा है आपने यहां पे सारे रेस टेपिया बना के रखे ये रेस्ट एपीआई एक्सपोज करके रखे आपने सो कोई भी अगर बंदे को स्टूडेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा ये एपीआई कॉल करना पड़ेगा गाइड्स राइट right? अभी हमारे केस में वो बंदा कौन सा है इंस्टीट्यूट सर्विस इंस्टीट्यूट सर्विस को क्या करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट सर्विस को स्टूडेंट सर्विस कॉल करके उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट आईडी के लिए मुझे सारे स्टूडेंट्स दे दो क्योंकि देखो यहां पे हम लोगों ने वैसा एक एपीआई बना के रखा है सी हम लोगों ने एपीआई बना के रखा है स्टूडेंट सर्विस में हमारे पास एक ऐसा एपीआई है कि अगर आप इंस्टीट्यूट आईडी दोगे तो उसके लिए मैं सारे स्टूडेंट्स रिटर्न कर देता हूं राइट क्योंकि आप पे हो आप हो आप अभी इंस्टीट्यूट सर्विस में ठीक है इंस्टीट्यूट सर्विस में होने की वजह से आपके पास स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा स्टूडेंट सर्विस के पास अभी देखो इसको हम लोग बोलते हैं सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन और इसको हम लोग बोलते हैं इंटर सर्विस कम्युनिकेशन राइट इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन और इंटर सर्विस कम्युनिकेशन तो कि कैसे किया जाता है सो so, इसको करने के दो तरीके होते हैं गाइस ठीक है एक तो होता है सिंक्रोनस वे और एक होता है असिंक्रोनस वे वे सिंक्रोनस का मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी डेटा लाने के लिए आपके एपीआई को भेजा हुआ है मतलब आपने यहाँ से कोई भी एपीआई को कॉल किया है डेटा लाने के लिए मतलब स्टूडेंट्स का डेटा लाने के लिए तो जब तक वो डेटा नहीं आता है तब तक आगे के कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होंगे इसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस वे ऑफ कॉलिंग दूसरा तरीका होता है असिंक्रोनस वे आपने उस एपीआई को कॉल कर दिया जब कभी भी रिस्पॉन्स आएगा वो आते रहेगा लेकिन आप आपके आगे के टास्क परफॉर्म करते रहोगे इसको आप बोलते हो असिंक्रोनस वे ठीक है सो दो तरीके एक सिंक्रोनस और असिंक्रोनस जो हम लोग यूज करने वाले वो हम लोग यूज करने वाले सिंक्रोनस वे मतलब हम लोग एपीआई को कॉल करेंगे जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक हम लोग वेट करेंगे इस केस में ठीक है तो वो कैसे कॉल किया जाता है कॉल इट ठीक है आपको एक इंटरनलीट बनाया इसको हम लोग बोलते हैं है, लो आपको, आपको एक एपीआई से दूसरे एपीआई को कॉल करना है मतलब इंस्टीट्यूट सर्विस से इंस्टीट्यूट सर्विस या आप स्टूडेंट सर्विस के एपीआई को कॉल करोगे आपको डेटा मिलेगा और फिर आप उसके साथ आगे बढ़ोगे समझ में आ गाइस सो अभी हम लोग वो प्रोसेस करते हैं परफेक्ट ठीक है उसके लिए आपको क्या है टेम्पलेट लगता है रेस रेस लगता है 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 ठीक क्योंकि क्योंकि इंटरनली आपके आपके स्प्रिंग स्प्रिंग ने क्रिएट किया हुआ क्लास आपको आपको बस उसको यूज़ करना उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके में कौन बना के देगा इसलिए आप क्या अभी यहाँ पे क्या होता है जब रेस्टेम्पलेट आप उसका स्प्रिंग ने बनाया हुआ रेस्टेम्पलेट यूज करने का कोशिश करते तो वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता ये किस टाइप का बीन है सी वो क्या बोल रहा है नो बीन्स ऑफ रेस्टलेट टाइप फाउंड तो आपको एक्सप्लेटली उसको जाके बताना पड़ता है तो आपको क्या करना पड़ेगा कॉन्फिगरेशन करना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग एक पैकेज बनाते हैं न्यू पैकेज एक कॉन्फिग नाम का पैकेज बनाता होगा इसमें ठीक है मैं एक क्लास बनाता हूं जिसमें सारे एप्लीकेशन का कॉन्फिगरेशन होगा तो इसलिए मैं बोलता हूँ एप्लीकेशन कॉन्फिग ठीक है क्योंकि ये कॉन्फिगरेशन रिलेटेड क्लास है इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे एट द रेट कॉन्फिगरेशन ठीक है अभी देखो रेस्ट रेस्टलेट बनाते कैसे है क्योंकि ये इनबिल्ट ऑलरेडी क्रिएटेड क्लास है ठीक है आपको बस उसको बीन बनाना किसमें स्प्रिंग बोर्ड में इसके लिए आप यहाँ पे देते हो एट द रेट बीन एनोटेशन क्या एनोटेशन दोगे बीन और आप यहाँ पे लिखोगे पब्लिक ट रेस्ट टेम्पलेट ठीक है आप ऐसा मेथड बनाओगे जो लिखेगा पब्लिक रिटर्न करेगा रेस्ट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और उस मेथड का नाम भी मैंने रेस्ट टेम्पलेट दे दिया ठीक है और यहां पे कुछ नहीं करता हूं सिंपल रिटर्न न्यू रेस्ट टेम्पलेट क्लियर है गाइस कुछ नहीं करना है that's it. इतना सही काम था क्या करना था हम लोगों ने हम लोगों ने क्लास बनाया जो कैसा क्लास है कॉन्फिगरेशन रिलेटेड क्लास है और कॉन्फिग्रेशन रिलेटेड क्लास में अगर आपको बिन क्रिएट करना है तो हम लोग क्या करते हैं है। ठीक है परफेक्ट ये बना लिया हमने ठीक है सो कैसे बनाया एट द रेट बिन एनोटेशन यूज किया एट द रेट बिन एनोटेशन के लिए आपने लिखा पब्लिक रेस्ट रेस्ट रेस्टेम्पलेट और रिटर्न न्यू रेस्ट रेस्टलेट परफेक्ट ठीक है अभी जैसे ये क्रिएट हो जाते तो यहां का एरर देखो चले जाएगा गाइज समझ में आ रहा है ठीक है अभी आपको क्या करना पड़ेगा गाइस ठीक है यहां पे व्हाट यू से आपको इंस्टीट्यूट सर्विस से स्कूल सर्विस को कॉल करना है किसको कॉल करना है इंस्टीट्यूट सर्विस से स्कूल सर्विस को कॉल करना है परफेक्ट ठीक है so, उसके लिए देखो कैसे कॉल करते गाइस ठीक है सो so, सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे गाइस कि जो इंस्टीट्यूट आईडी जो क्लाइंट भेज रहा है वो इंस्टीट्यूट आईडी अवेलेबल भी है क्या मतलब उसके लिए आपके डेटाबेस में रिकॉर्ड अवेलेबल भी तो भी है क्या अगर उसके लिए रिकॉर्ड ही नहीं हो गया रिलेटेड डेटा तो भी नहीं रहेगा तो इसलिए हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे यूजिंग दी इंस्टीट्यूट रिपोजिटरी आपके पास वैसा डेटा अवेलेबल है क्या सो so, देखो मैं कैसे करता हूं इंस्टीट्यूट बाय आईडी ठीक है मैं क्या करता हूँ फाइंड बाय आईडी से कॉल करता हूँ क्या बोलूंगा इंस्टीट्यूट आईडी परफेक्ट सो मैं सबसे पहले मेरा टास्क है कि मैं सबसे पहले चेक करो कि वो इंस्टीट्यूट आईडी के साथ इंस्टीट्यूट अवेलेबल है क्या अगर वैसा इंस्टीट्यूट आईडी अवेलेबल होगा तो हम लोग फिर स्टूडेंट सर्विस में जाके बोलेंगे उसको कि मुझे वो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स रिटर्न कर दो ठीक है ओके जब आप फाइंड बाय आईडी कॉल करते हो गाइज तो ये रिटर्न करता है आपको ऑप्शनल ठीक है सो ये क्या रिटर्न करता है ऑप्शनल ऑप्शनल का मतलब गाइज ऑप्शनल एक जावाइट में उन्होंने नया क्लास इंट्रोड्यूस किया जनरली आपके नल पॉइंटर एक्सेप्शन से आपको गेट रीड करने के लिए उन्होंने ये क्लास बना दिया तो ये होता है आपका ऑप्शनल क्लास ऑप्शनल क्लास में क्योंकि आप जेनेरिक यूज कर सकते हो और मुझे किस टाइप का डेटा आने वाला है इंस्टीट्यूट टाइप का डेटा आने वाला है तो मैं उसको लेता हूँ और मैं बोलता हूँ ऑप्शनल नाम दे देता है, उसको, ये नाम दे है राइट? मतलब क्या होगा गाइज जस्ट इमेजिन करो कि एक ऑप्शनल नथिंग बट एक आपका बकेट है या फिर एक बॉक्स है अगर वहां पे आईडी के साथ उस आईडी के साथ इंस्टीट्यूट होगा तो वो उस बॉक्स में डाल देगा अदरवाइज वो बॉक्स क्या रहेगा एम रहेगा ठीक है सो so, इससे आप नल पॉइंटर को अवॉइड कर सकते हो नल पॉइंटर एक्सेप्शन को अवॉइड कर सकते हो तो फिर अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे गाईस? देखो हम लोग क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं इफ अभी हम लोग चेक करेंगे कि इफ ऑप्शनल इंस्टीट्यूट ये जो बॉक्स है ऑप्शनल का ये जो बॉक्स है इसमें या फिर इसको हम लोग ऐसे चेक कर सकते कि ये एम है क्या अगर एम है तो गाइज उसको सर्च करने में कुछ सेंस ही नहीं बनता है राइट क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं तो मैं डायरेक्टली यहां पे क्या कर देता हूं रिटर्न न्यू रिटर्न न्यू एक्सेप्शन गाइस मैं डायरेक्टली ऐसे एक्सेप्शन एक सेंड कर दूंगा। क्या एक्सेप्शन सेंड कर दूंगा कि यहां पे एक्सेप्शन जो है मैं ऐसा बोल दूंगा कि इंस्टिट्यूट विथ गिवन आई डी नॉट फॉर्म ये मैसेज सही रहेगा गाइस हम लोग ये मैसेज रिटर्न कर देंगे क्योंकि आप यहां से एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे हो इसलिए आपको यहां पे थ्रोज लेना पड़ता है सो आई विल डू दैट एज वेल ठीक है हम लोग सॉरी वन सेकेंड गाइज यहां पे हम लोग क्या करेंगे थ्रोज एक्सेप्शन कर देंगे ठीक है थ्रोज एक्सेप्शन ठीक है अगर यहाँ पे थ्रोज नहीं होता है फिर अगर इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा थ्रोज हो जाएगा क्या बोल रहा है है ठीक अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है Don't worry. ये हो जाएगा ठीक है okay. अगर guys, just imagine. अगर empty नहीं रहा box, मतलब उसके अंदर आपको इंस्टीट्यूट मिला हुआ है मतलब इंस्टीट्यूट अवेलेबल है अगर वैसा इंस्टीट्यूट अवेलेबल है तो आपको क्या प्रोसेस करना है देखो अभी आपको क्या करना होता है यूजिंग आपको यूज करके आपको स्टूडेंट सर्विस को कॉल करना है किसको कॉल करना है स्टूडेंट सर्विस को जैसे आपने पोस्टमैन से कॉल किया था वैसे ही आप कॉल करोगे ठीक है रेस्ट टेम्पलेट क्योंकि आप गेट कॉल करना चाहते हो देखो याद है आपको ये जो एपीआई है ये कैसी है गेट एपीआई है और इसका कैसा है यूआरएल कैसा है एसटीटी पी लोकोलोस्ट /students /institute /institute -id. Correct? हम जीरो सेम वैसे ही यूआरएल यहाँ पे सेंड कर सकते हो ठीक है कौन सा ऑब्जेक्ट आप मेथड कॉल करोगे आप गेट फॉर ऑब्जेक्ट अब गेट फॉर ऑब्जेक्ट से गाइज देखो आपको सबसे पहले तो देना होता है कि कौन सा यूआरएल है ठीक है सो so, मैं बोलता हूं एस टी टीपी लोकल होस्ट एट जीरो स्लैश क्योंकि आपका स्टूडेंट्स है राइट यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं इट इज स्टूडेंट्स फिर इंस्टीट्यूट फिर इंस्टीट्यूट आईडी सो मैं यहां पे दूंगा स्लैश स्टूडेंट्स स्लैश इंस्टीट्यूट और उसके बाद आप आईडी दोगे राइट सो so, क्योंकि आईडी गाइज यहां से मिल रहा है मुझे so, मैं ये आईडी क्या कर दूंगा यहां पे प्लस करके यहां कर में आ रहा है गाईस? क्लियर हो रहा है? हम लोग क्या कर देंगे ये आईडी को अपेंड कर देंगे ठीक है अभी जब आप इसको अपेंड कर दोगे ठीक है सो आपको दूसरा पैरामीटर सेंड करना होता है गाइस ठीक है कि किस टाइप का डेटा आने वाला है वहां से किस टाइप का डेटा आता है एक बार जाके चेक कर लो देखो यहाँ से स्टूडेंट टाइप का डेटा आता है स्टूडेंट टाइप का सो कि इसलिए हम लोग फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं यहाँ पे आपको लिखना होता है स्टूडेंट डॉट क्लास यहाँ तक क्लियर गई क्योंकि हम लोगों के पास स्टूडेंट का एर आने वाला है लिस्ट आने वाला है यहां से इसलिए फिर मैंने यहाँ पे ऐसे लिया इसको ठीक है अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास अवेलेबल नहीं है ठीक है आपके पास क्या अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट क्लास अवेलेबल नहीं है क्योंकि स्टूडेंट क्लास पे, पे ऐसा क्लास नहीं है तो क्यों ना हम लोग क्या कर लेते हैं सेम यहाँ का स्टूडेंट मॉडल को कॉपी करके सेम हम लोग यहाँ पे भी मॉडल्स में डाल देते हैं सो so दैट आपके पास वो इंफॉर्मेशन रहे राइट ठीक है क्योंकि यहाँ पे आपको एंटिटी नहीं चाहिए होती है क्योंकि इसलिए हम लोग यहाँ पे एंटिटी एनोटेशन हटा देंगे ये इसका जरूरत नहीं है आपको आपको सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन चाहिए इसके लिए फिर मैं ये नो कंस्ट्रक्टर वगैरह भी हटा देता हूँ मैं सिर्फ गेटर सेटर्स लिखता हूँ मतलब नॉर्मल पोजो क्लास सो मैं इंस्टीट्यूट सर्विस को बता रहा हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट टाइप का डेटा आने वाला है वन सेकेंड कहा गया ठीक है स्टूडेंट टाइप का डेटा आने वाला है और इसको हम लोग एक स्टूडेंट एरे में ले लेते हैं स्टूडेंट का एरे स्टूडेंट्स ठीक है परफेक्ट अभी यहां पे स्टूडेंट्स का आपको क्या मिल गया गाइस स्टूडेंट्स का एरे आ जाएगा कहां से आ जाएगा स्टूडेंट्स सर्विस से वो कॉल के यहाँ पे मिल गया आपको ठीक है अभी आपको क्या करना है गाइस यहाँ पे आप एक तो ये स्टूडेंट्स को रिटर्न कर दो डायरेक्टली वैसे भी पॉसिबल है सो so, देखो मैं क्या करके दिखाता हूं आपको लेट मी रिटर्न यू दी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सो यहाँ पे मैं रिटर्न क्योंकि ये स्टूडेंट्स का एरे के बजाय क्यों हम लोग क्या करेंगे इसको लिस्ट लिस्ट रिटर्न करते हैं। तो इसलिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ लिस्ट डॉट ऑफ तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को पास कर दो इस एरे को पास कर दो तो वो ऑटोमेटिकली लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा राइट यहाँ से आप उसको रिटर्न कर दोगे देगी से हम लोग क्या करेंगे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट गर्ल्स ठीक है इट इज गिविंग मी मेर ओ इट शुड नॉट बी रिटर्न इट शुड बी थ्रो क्योंकि मैंने थ्रोज किया है यहां पे सॉरी ठीक है ये हो गया गाइज यहाँ से आपका स्टूडेंट्स रिटर्न चले जाएगा ठीक है कंट्रोलर पे जाते हैं क्योंकि यहां से आपको आने वाला है इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे थ्रोज कर देगा यहाँ पे हम लोग गाइज करते हैं रिटर्न और यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिटर्न जाने वाला है इसलिए स्टूडेंट को रिटर्न ठीक है अभी आपके पास इंटर सर्विस कम्युनिकेशन भी होगा इंटर सर्विस कम्युनिकेशन कैसे किया था गेट कॉल है? है, है तो आप गेट फॉर कर, तो कर लो पोर्ट कॉल है तो पोस्ट कॉल कर लो पुट है तो पुट कॉल कर लो राइट ठीक है यहाँ पे आपका एप्लीकेशन ये ऑलरेडी एप्लीकेशन जो रनिंग है यहाँ पे ठीक है ये एप्लीकेशन को आप ये एपीआई को कॉल करोगे और मुझे बोलोगे आईडी बन के लिए रिकॉर्ड दे दो ठीक है गाइड्स सी अभी आपको लोकल पे जब एप्लीकेशन चलवाना है राइट right? So, आपको दोनों एप्लीकेशन ऑन करके रखनी पड़ेगी ठीक है जो आपका स्कूल सर्विस है uh, स्टूडेंट सर्विस so, में आप क्या कर रहे हो स्टूडेंट सर्विस में आपका सारा स्टूडेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है राइट ठीक है अब ये स्टूडेंट सर्विस में हम लोग क्या कर गाइज हम लोग स्टूडेंट्स का इंस्टीट्यूट ऑलरेडी अपनी रिकॉर्ड इंसर्ट करके रखे है सो डोंट वरी ओके okay. और ये एप्लीकेशन जब आपका ऑलरेडी रनिंग है और ये किस पोर्ट पे रनिंग है गाईज? अगर आप ये देखोगे तो 8080 पोर्ट पे रनिंग है और मैं बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट होता है अपार्टली टॉमकेट का वो 8080 होता है अगर मैं इस एप्लीकेशन को अगर स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं तो ये भी एप्लीकेशन एट पे ही स्टार्ट करने का कोशिश करेगा कौन सा इंस्टीट्यूट सर्विस बट ऑलरेडी आपका स्टूडेंट सर्विस जो है एट पे वर्क हो रहा है ऑलरेडी उस पोर्ट पे चल रहा है तो आपका ये एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होगा ओके लेट मी शो यू दैट सी देखो गाइज एरर आ गया ठीक है एप्लीकेशन फेल टू स्टार्ट क्या बोलता है वेब सर्वर फेल टू स्टार्ट पोर्ट 8080 वाज ऑलरेडी इन यूज मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपको दोनों एप्लीकेशन ऑन करके रखना है बट ये तो एट जीरो पे ऑलरेडी एक एप्लीकेशन चल रहा है तो आपका एप्लीकेशन नहीं चल रहा है सो तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो आप जाके इसके लिए भी अलग से कॉन्फिगरेशन कर सकते हो क्या कॉन्फिगरेशन कर सकते हो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज पे चले जाओ और यहाँ पे आप सर्वर का पोर्ट चेंज कर सकते हो तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है सर्वर डॉट पोर्ट ठीक है मैं इसको देता हूं एट जीरो एट वन मतलब आपका जो स्टूडेंट सर्विस है वो किस पे रन होगा पोर्ट एट जीरो पे जो आपका इंस्टीट्यूट सर्विस है वो किस पे रन होगा एट जीरो स्टार्ट करके देखते हैं सी नाउ योर एप्लीकेशन गाइस विदाउट एनी एरर और ये किस पोर्ट पे चल रहा है एट जीरो अभी हम लोग सबसे पहले इंस्टिट्यूट्स को क्रिएट करते हैं सो उसके लिए आप सेकंड आ, Not required to stop guys क्योंकि हम लोग different port पे रन कर रहे हैं ठीक है इसलिए आप कितनी भी एप्लीकेशन चला सकते हो different ports पे right अगर हम लोगों ने पहला वाला एप्लीकेशन स्टॉप कर दिया राइट right? सो फिर हम लोग उसको कॉल कैसे करेंगे राइट right? वो तो एप्लीकेशन रनिंग होना चाहिए आपका परफेक्ट ठीक है सो so, अभी मुझे ये ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे मैं नया पोस्ट कॉल बनाता हूँ क्योंकि मुझे क्रिएट करना है सो एच टी टी पी लोकल होस्ट कॉलन एट जीरो कॉल करना है राइट आप नया इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हो सो so, बॉडी में जाओगे आप रॉ टेक्स्ट की जगह आप जेसन कर दोगे और आपको पता है क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको सेंड करना है वमेशन यू हैव टू सेंड इज ओके इंस्टीट्यूट ए पी कॉल में रहेगा वो इंस्टीट्यूट यहाँ पे इंस्टीट्यूट आने वाला है इंस्टीट्यूट में डाटा आएगा आपका नेम और ईमेल ठीक है सो नेम और ईमेल के लिए गईज हम लोग यहाँ पे जेसन बनाते हैं ठीक है थेके? सो मुझे क्या चाहिए गाइज नेम So, इसको डबल कोट में मैं जेसन रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ अभी सो so, मैं लिखता हूं द किरण अकेडमी हाइफन करवे नगर ठीक है और इसका इमेल लिखता हूं मैं अभी किरण अकेडमी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ठीक है गाइस ये मेरा एक रिक्वेस्ट क्रिएट हो गया अभी हम लोग इसको स्टोर करके देखते हैं सो ये होगा आपका आई डी वन ठीक है अभी दूसरा बना के देखते हैं हम लोग द किरण अकेडमी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डेक्कन ठीक है ये दूसरा क्रिएट होगा द किरण अकेडमी

ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्टीट्यूट आई डी गिव द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ दी इंस्टीट्यूट आई डी आपको स्टूडेंट चाहिए इंस्टीट्यूट सर्विस में आपके पास वो एपीआई क्या है कंट्रोलर्स में जाते हैं सो इंस्टीट्यूट फिर उसके बाद है स्टूडेंट और उसके बाद है इंस्टीट्यूट आई डी ठीक है अभी हम लोग इसको कॉल करते गाइज ठीक है इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूट आईडी अभी मैं इंस्टीट्यूट आईडी डी वन के लिए फेच करता हूं ठीक है so, सो अगर आपको याद होगा तो स्टूडेंट सर्विस में वन के लिए दो रिकॉर्ड अवेलेबल थे ठीक है थीके? हम लोग अभी उसको कॉल करते हैं ठीक है लेट्स कॉल इट कैन यू सी गाइस यू गॉट द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द इंस्टीट्यूट आई डी ये कहा से मिले आपको आपने तो सिर्फ इंस्टीट्यूट वाला सर्विस कॉल किया है सी एट जीरो सर्विस राइट फ्रॉम इंस्टीट्यूट सर्विस इंटरनली हम लोगों ने किसको कॉल किया था फ्रॉम इंटरनली टू होम वी कॉल स्टूडेंट सर्विस और स्टूडेंट सर्विस को जाके हमने बोला कि भाई, ऐसे मुझे दे रखे है इंस्टीट्यूट तो सर्विस को दे रखे हैं स्टूडेंट सर्विस रिलेटेड जितने भी काम है हम लोगों ने स्टूडेंट सर्विस को देके रखे अगर

इस मंथ में जितने भी एडमिशन हुए हैं वो सारी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रिटर्न कर दो तो वो लॉजिक वो एपी आपको कहाँ पे बिल्ड करना पड़ेगा स्टूडेंट सर्विस में एडमिशन सर्विस स्टूडेंट सर्विस को कॉल करके वो बोलेगा कि भाई मुझे ऐसा डाटा दे दो तो वो डाटा मिल जाएगा एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग विद द माइक्रो सर्विसेज सेपरेशन ऑफ कंसर्न हरिका काम अपना अलग-अलग है अगर कुछ भी रिक्वायर्ड होता है तो एक सर्विसेज दूसरे सर्विसेज के साथ बात कर सकती है और मैंने बोला था कि हर सर्विस का अपना खुद का अलग डेटाबेस होता है अगर आपने देखा होगा तो इसका खुद का अलग से अपना टेबल है टेबल उसका अलग से स्टूडेंट टेबल है वो दोनों अलग अलग से अपने अपने टेबल्स डेटाबेस के साथ बात कर रहे हैं और वहां से आपको इन्फॉर्मेशन पुलप हो रहा है अगर मैं बोलता हूं कि इंस्टीट्यूट आई डी टू रिटर्न ठीक है गिव मी दिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हुई डी इज टू अभी आप इंस्टीट्यूट सर्विस को बोल रहे हो वहां पे एक स्टूडेंट था तो आपको वो स्टूडेंट मिल गया अंडरस्टूड दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एंड दिस इज हाउ टू कॉल दी फ्रॉम सर्विस टू अनदर सर्विस एक सर्विस से दूसरे सर्विस को कैसे कॉल किया जाता है और आपको कैसा रिस्पॉन्स रिटर्न मिलता है और आप उसको कैसे रिटर्न कर सकते हो दिस इज वॉट वी हैव लर्न टूडे क्लियर गाइज आई होप दिस इज क्लियर विद एवरी वन ठीक है परफेक्ट नाउ लेट मी गो बैक टू माय आईपैड स्क्रीन परफेक्ट तो अभी तक गाइज अगर आप देखोगे सो so हम लोगों ने क्या किया है वट वी हैव डन इज वन सेकेंड आपका क्लाइंट है आपके पास दो सर्विस अवेलेबल है एक सर्विस आपकी ये है दूसरी सर्विस आपकी ठीक है कौन सा कौन सा सर्विस अवेलेबल है गाइस? एक है आपका फॉर एग्जांपल स्टूडेंट सर्विस और एक है आपका इंस्टीट्यूट सर्विस इंस्टीट्यूट रिलेटेड जितने भी कॉल है वो सारे यहाँ पे कॉल कर रहे हैं हम लोग ठीक है और स्टूडेंट रिलेटेड जितने भी कॉल है यहाँ पे कॉल कर रहे हैं हम लोग है? है, राइट बट इसके साथ गाइज एक डिसएडवांटेज एसोसिएटेड है ठीक है इसके साथ हमारे पास क्या है? हैल तो ध्यान में रखना पड़ेगा अगर राइट right? हमको हर सर्विसेज का यूआरएल ध्यान में रखना पड़ेगा यह है इसका डिसएडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज को कवर करने के लिए जो कल हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आपका एपीआई गेटवे ठीक है उस टॉपिक का नाम है एपीआई गेटवे मतलब आपका जो कुछ भी क्लाइंट रहेगा वो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस स्टूडेंट सर्विस एंड इंस्टीट्यूट सर्विस डायरेक्टली वो हमेशा किसको कॉल करेगा एपीआई गेटवे को कॉल करेगा जितनी भी सर्विस है फिर एपीआई गेटवे चेक करेगा कि अगर आपकी यू में स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट को सेंड करेगा अगर आपके एपीआई गेटवे तो वो इंस्टीट्यूट को फॉरवर्ड करेगा समझ में आ रहा है इस कल हम लोग ये बिल्ड करेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट इसके साथ साथ आपको और एक चीज लगती है ओके इसके साथ आपको और एक चीज लगती है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विस डिस्कवरी ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं सर्विस डिस्कवरी और कल हम लोग ये भी बिल्ड करेंगे इसका क्या यूज होता है वो कल हम लोग देखेंगे आई होप दिस इज क्लियर विथ यू ऑल गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरी अगर आप लोगों के कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज आस्क any doubts any questions guys okay let me check with youtube okay इंस्टीट्यूट okay. एपीआई में व्हाट यू वांट टू बी एक्सप्लेन गाइस इंस्टीट्यूट एपीआई में आपको क्या एक्सप्लेन करना है इंस्टीट्यूट एपीआई क्या कर रहा है गाइस इंस्टीट्यूट एपीआई इंस्टीट्यूट रिलेटेड इंफॉर्मेशन पे काम करता है राइट right? जितने भी इंस्टीट्यूट ओके सर थैंक्स सर थोड़ा बहुत समझ आया है प्रैक्टिकली यस एब्सोल्युटली आपको प्रैक्टिकली ये सब कुछ करके देखना पड़ेगा गाइड्स तब आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा करेक्ट ओके इंस्टीट्यूट सर्विस में हम लोग क्या कर रहे हैं सारे इंस्टीट्यूट रिलेटेड ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं कि गेट ऑल गेट ऑल इंस्टीट्यूट क्रिएट इंस्टीट्यूट अपडेट इंस्टीट्यूट राइट डिलीट इंस्टीट्यूट वो सारे ऑपरेशन तो हमने नहीं किए बट हम लोगों ने कुछ बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म किए जहाँ पे आपको गेट ऑल इंस्टीट्यूट कर रहे हैं हम लोग क्रिएट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं ये पी क्या कर रहा है गाइज ये पी बोलता है कि मेरे इंस्टीट्यूट में कितने स्टूडेंट्स अवेलेबल है वो मुझे लिस्ट दे दो राइट right? जो कि आपको पता है कि स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन आपके इंस्टीट्यूट सर्विस में नहीं है स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन किसके पास है स्टूडेंट सर्विस के साथ सो so, ये ए इंटरनली जाके क्या करता है ये ए इंटरनली जाके किसको कॉल करता है गाइज ये ए इंटरनली स्टूडेंट सर्विस को जाके कॉल करता है और स्टूडेंट सर्विस को बोलता है कि मुझे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट दे दो मैं आपको इंस्टीट्यूट आई भेज रहा हूँ ऐसे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मुझे दे दो तो जनरली ये काम कर रहा है इसके लिए हम लोगों ने यूज किया टेम्पलेट जो रेस टेम्पलेट क्या करेगा कोई भी आपको एपीआई दूसरे सर्विस का एपीआई अगर आपको कॉल करना यूजिंग दी जावा स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन तो आपको यूज करता है थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग कल सेम टाइम ज्वाइन करना है सेवन पी एम एंड लर्न अबाउट द Service discovery and the API gateway. Thank you so much, everyone, for joining. See you tomorrow. Bye.